Hello everyone, welcome to Virtual Board. My name is Vishal Bajpayee and today we are going to see Accenture interview experience. और ये interview experience जो है वो associate software engineer role के लिए है. तो candidate का नाम है पवन यादव और इसका department है IT. ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि Accenture में mainly चार राउंड होते हैं. पहला cognitive and technical assessment होता है, दूसरा coding राउंड होता है, तीसरा communication राउंड, और जो चौथा होता है वो हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू होता है. तो थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबके बारे में. तो कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट में बेसिकली आपके पास क्वांट्स के, रीजनिंग के, टेक्निकल क्वेश्चन, सीडो कोड्स, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, ये सब रहता है. ठीक है, और जो राउंड टू रहता है वो कोडिंग राउंड रहता है. तो अगर आपने राउंड वन क्लियर किया है तभी आपको कोडिंग राउंड में जाने का मौका मिलेगा. मीन्स राउंड वन इज एन एलिमिनेशन राउंड. सो नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड राउंड, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कोडिंग क्वेश्चन of moderate level. One question was based on loops and one question was based on arrays. So ye according to his interview experience, according to his experience of written test, usne bataya ki pehla jo question tha wo loops based tha aur dusra arrays based tha. To ye moderate level ke questions rehte hain. To second round jo rehta hai coding round, wo bhi elimination round rehta hai. To agar aapne round 1 aur round 2 dono clear kar liya hai to aapko within 24 hours or within 48 hours एक मेल आता है कि यू हैव क्लियर्ड बोथ योर राउंड्स एंड नाउ यू आर इनवाइटेड फॉर कम्युनिकेशन राउंड. सो राउंड 3 इज कम्युनिकेशन राउंड. सो बेसिकली राउंड 3 इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड. ठीक है, तो मोस्टली इन दिस राउंड वी हैव टू रीड द गिवन सेंटेंसेस. दिस वाज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड दो व्हाइल द प्रीवियस टू वर. ठीक है, तो आपके समझ में आ गया. और ये कम्युनिकेशन राउंड को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड मिलता है, लाइक 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको मिलते हैं टू गिव दिस कम्युनिकेशन राउंड. उसके बाद जो आपका राउंड 4 होता है वो होता है ऑनलाइन इंटरव्यू. सो अकॉर्डिंग टू हिम आफ्टर द कम्युनिकेशन राउंड अ वीक लेटर आई गॉट द इंटरव्यू लिंक. द इंटरव्यू लास्टेड फॉर अबाउट अराउंड 25 मिनट्स एंड वाज अ सॉर्ट ऑफ नॉट सो फॉर्मल इंटरव्यू. देयर वर मोर एचआर क्वेश्चंस एंड नो टेक्निकल क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर. अ ग्रेट पार्ट ऑफ इंटरव्यू वाज डेडिकेटेड टू माय प्रोजेक्ट, सो आई वुड रिकमेंड एनीवन अटेंडिंग प्रिपेयर देयर प्रोजेक्ट वेल. तो इसमें से आप लोग समझ सकते हो कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्निकल राउंड की तरफ फोकस नहीं था इसका. HR questions या हम लोग कह सकते हैं सिचुएशन बेस्ड या बिहेवियरल questions की तरफ ज़्यादा फोकस था, और एक जो बड़ा पार्ट था वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड था. सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट जरूर प्रिपेयर कर लो अच्छे से. ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन से questions थे जो पूछे गए थे. टेक्निकल questions, ये टेक्निकल राउंड था, तो बेसिकली टेक्निकल राउंड में कौन कौन से questions पूछे गए थे. तो पहला जो था वो था टेल मी अबाउट योर सेल्फ. देखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें आपको अपना नेम, तब अपना अपने बारे में बताना है. उसके बाद आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप्स की हुई हैं तो आप वो बता सकते हो, अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग की हुई है तो वो बता सकते हो, आप अपनी स्किल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आप अपने सर्टिफिकेशंस मेंशन कर सकते हो, अपने अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हो, अगर आपने कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ अचीवमेंट है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अपनी हॉबीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब नॉट मोर देन 1 मिनट और 2 मिनट आप यहाँ पे दे सकते हो. और मेनली आप लोग को फोकस उस चीज़ पे करना है ज़्यादा, इसमें जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसे DBMS आता है, तो इंटरव्यूअर जो रहता है वो इंटरव्यू अपने हिसाब से लेना चाहता है, लेकिन कई बार आप अपने हिसाब से भी इंटरव्यू को मोड़ सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको DBMS आता है तो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो, सर मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, DBMS है. फिर अभी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो डिस्कस कर रहे हो उसी इंट्रोडक्शन में तो आप बोलो कि मैंने जो डेटाबेस यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में वो MySQL है. ठीक है, इसी तरह 2-3 बार जब अगर आप एक चीज़ को पॉइंट आउट करोगे तो थोड़ा सा डाइवर्ट करने का या थोड़ा सा इंटरव्यूअर आपसे उस चीज़ के बारे में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है. ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा गया था वो था एक्सप्लेन एनी वन ऑफ योर प्रोजेक्ट, जिसमें आप कॉन्फिडेंट इनफ है टू आंसर ऑल द क्वेश्चन और टू आंसर ऑल द क्रॉस क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, तो आप वो बता सकते हो. इसके बारे में आपसे 2-3 क्वेश्चन जरूर होंगे कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है इस पर, लाइक इसमें डेटाबेस आपने यूज़ किया है कि नहीं. तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बन सकते हैं, इसमें इंटरव्यू और आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करेगा. क्या थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज योर प्रेफर्ड कोडिंग लैंग्वेज. तो सबकी प्रेफर्ड कोडिंग लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, किसी की C++ हो सकती है, किसी की पाइथन हो सकती है, किसी की जावा हो सकती है. ठीक है, तो आप अपनी कोई प्रेफर्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप अपना कमांड कर लीजिएगा इंटरव्यू देने से पहले, क्योंकि जो भी आप अपनी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी से होने वाला है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में बोलते हो C++, तो जो अगला क्वेश्चन रहता है वो ये रह सकता है कि पॉइंटर क्या होते हैं, जैसा कि इस केस में था। या आपसे पूछ सकते हैं सी और C++ में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर। सो पॉइंटर्स आर यूज फॉर एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, जैसा कि इसने बता दिया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फिफ्थ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आप यहाँ पे बता दो, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, और अगर आपसे वो इसको एक्सप्लेन करने को कह रहा तो यू कैन एक्सप्लेन देम इन वन लाइन और टू लाइन्स ओनली। फाइन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज योर बेस्ट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। सी अगर आप एक कोई ऐसा सब्जेक्ट आप अपना पूरे कोर्स करिकुलम में जरूर बना लो जिसपे आपको थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, इनकेस इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप उसको बता दो। जैसे कि इस केस में आप अपना DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग कुछ भी बता सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। नाउ सेवन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम दैट इज कमिंग इन फ्यू डेज। सो ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम इसे कह सकते हैं मैनेजरियल राउंड की टाइप का ये क्वेश्चन है। एट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट द फेलियर्स दैट यू फेस्ड एंड हाउ यू इम्प्रूव देयर और वांट टू इम्प्रूव देयर, सो दैट यू आर अकाउंटेबल एंड अपफ्रंट डेमोंस्ट्रेट दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यूज द एक्सपीरियंस टू गेट बेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो, तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि सर रिसेंटली आई वॉज अलॉटेड टू अ प्रोजेक्ट इन माई कॉलेज बट आई वॉज अनएबल टू सबमिट माई प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन एंड अनफॉर्चुनेटली डेडलाइन एक्सीडेड। दिस वॉज बिकॉज I was involved too much in some portion of the project, due to which I was unable to complete other portions before the deadline. So now from that failure or that mistake, I have learned that I have to give certain amount of time to every module so that I can complete a work as a whole in a given time limit. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको एक अपना failure क्यों हुआ वो reason दे सकते हो, कैसे आप क्यों आप फेल हुए थे और आप उससे कैसे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो या आपने उससे क्या सीखा। ठीक है, तो ये आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। सो नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू विच डोमेन डू यू प्रेफर इन IT जॉब्स। सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डोमेन, तो यहाँ पर इंटरव्यूअर जानना चाह रहा है कि व्हाट आर द फील्ड्स यू आर इंटरेस्टेड इन। सो यू कैन से लाइक AI, नेटवर्किंग, DevOps, टेस्टिंग एक्सेट्रा। ठीक, तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसके बारे में वहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन, विच न्यू टेक्नोलॉजी डिड यू लर्न रिसेंटली, तो आपने कौन सी नई टेक्नोलॉजी रिसेंटली लर्न करी है। तो इसमें आप जिस भी टेक्नोलॉजी पे अगर आपने किसी में सर्टिफिकेशन की है, ट्रेनिंग करी है या इंटर्नशिप करी है, आप यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन यूजली पूछे जाते हैं, लाइक इस समय ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है क्या आपको पता है। इस तरह इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कैन यू टेल मी द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, करेंटली द टेक्नोलॉजी विच इज़ इन ट्रेंड इन द मार्केट। सो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो वेब डेवलपमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी इस समय बूम पे है। ठीक है, तो दीज आर सम माइनर थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ बिफोर एन इंटरव्यू। नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। सो दिस इज मोर ऑफ HR लाइक क्वेश्चन, तो इसके आंसर्स आप किस तरह दे सकते हो। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ रेपूटेड कंपनी लाइक योर्स वेयर आई कैन इन्हांस माई स्किल्स। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक शो करता है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर कंपनी। ठीक है, और या फिर आप क्या कह सकते हो, माई गोल इज़ टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड अचीव अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन माई ऑर्गेनाइजेशन या इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे मेरी या आप क्या कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड अचीव अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल पोजिशन सो डेट आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड आई कैन कुड ऑल्सो असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ कंपनी एज वेल। ठीक है, आप इसका कोई सा भी क्लेवर सा आंसर दे सकते हो। 12th क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो ये यूजली हर एक इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू पूछता है, तो पर इसके कई सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे, लेकिन मैंने अपने दो फेवरेट यहाँ पे लिख रखे हैं जो आप उससे पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ एसेंचर राइट नाउ, तो आपसे ये पूछ सकते हो या आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि वॉट आर द मेन टेक्नोलॉजीज एसेंचर इज वर्किंग ऑन। ठीक है, तो इस इन क्वेश्चन पे इंटरव्यूअर थोड़ा सा ब्रैग करेगा अपनी कंपनी के बारे में। सो मोर और लेस ये था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक
ठीक है, अब थोड़ा सा क्विक टिप्स की बात कर लें, तो गो थ्रू द टॉपिक्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे एंड रीड अप क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दोस टॉपिक्स। सी, अपने रेज्यूमे को रिवाइज कर लो, उसमें क्या लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लो, और रेज्यूमे में जो लिखा है इंटरव्यूअर बेसिकली वही पूछता है, उससे हटके नहीं पूछेगा। तो आपने जो लिखा है उसके बारे में आप लोग प्रिपेयर कर लो। सेकेंड टिप क्या हो जाएगी कि प्रिपेयर बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे आपको ऑनलाइन बिहेवियर सिचुएशनल क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनके सर्च कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो इंटरव्यू से पहले। और अगर आपको कोई डाउट है स्टिल तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन बिहेवियर एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस। ठीक, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स हैं और आप वो पूछना चाहते हो, तो 1-to-1 कनेक्ट मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से आके आप लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स, या आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग ये भी एक्सेस कर सकते हो सर्विस। ठीक है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।